देखोटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 एज एट 31 मार्च 2013। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, देखो एसेट चार्ट से बात कर रहे हैं, कैश एट बैंक दे रखा है। मैंने बोला था, देखो मैंने ये बोला था, अगर क्वेश्चन में कैश अकाउंट दे रखा है तो कैश अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक अकाउंट दे रखा है तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दे रखा है तो मैं बैंक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ और सारी एंट्री बैंक से पास करेंगे। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, सुना, बच्चे गलती ये करते हैं कि अकाउंट तो ओपन कर देते बैंक और उनको आदत होती है कैश से एंट्री बोलने की, तो एंट्री सारी कैश टू रिलेशन कर रहे होते हैं और खाता खोला होता है बैंक का। अब बताओ नंबर मिलेंगे क्या, तुमने तो सारा काम पहले खराब कर दिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ ध्यान रखना है कि तुमने बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है या कैश अकाउंट ओपन कर रखा है। अगर बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है तो सारी एंट्री बैंक से पास करनी है, कैश अकाउंट ओपन करके तो सारी एंट्री कैश से पास करनी है। बच्चों की गलती यही होती है कि बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उनको आदत कैश की ज्यादा होती है तो कैश से सारी एंट्री बोल देते हैं, तो माइंड में डाल लेना इस बात का। और एक बात और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमेशा, वैसे तो 15 मिनट एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में जब 15 मिनट में मिलता है तो उसमें तुम पढ़ ही लोगे, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है और पढ़ के ये जरूर ढूंढना है कि भाई क्वेश्चन में मांगा क्या है। पहली गलती बच्चे की देखो क्या होती है, क्वेश्चन पढ़ता है और वो जल्दी से पढ़ता है और पढ़ के भाई बस रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना चालू कर देता है और क्वेश्चन में मांगा ही नहीं था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट मांगा नहीं था, खाली रिलेशन मांग रहा है। अब 6 मार्क्स में तुम्हें रिलेशन बनाना है, तुम पार्टनर्स कैपिटल भी बनाए जा रहे हो, बैंक अकाउंट भी बनाए जा रहे हो, बाद में जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके एंड में देख लो अच्छा रिलेशन कैश और बैंक तो बनाना नहीं था, फालतू में वहाँ टाइम खराब किया ना बोर्ड के एग्जाम में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होता है। इस क्वेश्चन में याद रखना, क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहली बात तो तुम्हें यह पता चलेगा कि जनरल एंट्री मांगी है या लेजर अकाउंट मांगी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें यह ढूंढना है, अच्छा क्वेश्चन में जनरल एंट्री तो नहीं मांगी, क्योंकि इस चैप्टर में जनरल एंट्री भी आ जाती है, तो जनरल देखना कि जनरल एंट्री तो नहीं मांगी। और दूसरी चीज ये चेक करनी है, खाली रिलेशन अकाउंट बनवा रहा है या सारी चीजें बनवा रहा है। ठीक है, वैसे ज्यादातर पेपर में अगर अकाउंट आएगा तो सारे आएंगे, क्या रिलेशन अकाउंट आएगा, कैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा और कैश या बैंक अकाउंट पूरा आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में खाली रिलेशन मांग रहा होता है और हम बना सारे रहते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट रखा था तो मैंने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, इस बात का खास ध्यान रखना, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखना बेटा मैं कैसे करवा रहा हूं, मेरा जो स्टेप जो मैं फॉलो करूंगा वैसे काम करोगे तुम भी। देखो जी, अब मैंने देखो मैं अपने जो मैंने स्टेप पढ़ाया था मैं उसके अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने स्टेप में बोला था कि क्वेश्चन में कैश दे रखा तो कैश अकाउंट खोलो टू बैलेंस बिल्डिंग, बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट खोलो टू बैलेंस बिल्डिंग। तो क्वेश्चन में बैंक दे रखा है तो मैं बैंक अकाउंट मैंने ओपन किया और बैंक में एसेट होती है तो बैलेंस डेबिट होगा बैलेंस बीडी। मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया और लिख दिया बैलेंस बीडी कितना है 4500। देखना मेरा तरीका करने का, सबसे पहले मैंने यही बोला था क्वेश्चन में कैश या बैंक जो भी दे रखा है, बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट खोलेंगे टू बैलेंस बीडी, काम खत्म। स्टेप में मैंने सबसे पहली बात ये बोली थी। उसके बाद मैंने बोला था ये असेट साइड में ढूंढो कुछ बांटने वाला है क्या, असेट साइड में क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है क्या, नहीं है। क्या पीएनएल का डेबिट बैलेंस है क्या, नहीं है, होता तो बांट देता, है ही नहीं। ठीक है, आ जाओ जी लायबिलिटी साइड में कुछ बांटने वाला है क्या, क्या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, नहीं है। ठीक है, अच्छा जनरल रिजर्व है, यस बट जाएगा, जनरल रिजर्व बांट देते, जनरल रिजर्व बांटेंगे, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जिसमें बटेगा उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री बताओ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और बी एस कैपिटल, दो पार्टनर है क्वेश्चन में ए और बी, कितना है जनरल रिजर्व 27,000, 27,000 को बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में, कितना कितना 16,200 और 10,800। ठीक है, अब सुनो मेरी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व क्रेडिट हो रखा है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, एंट्री में क्या हो गया डेबिट,
डेबिट क्रेडिट खाता बंद, सेम अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट होता है क्रेडिट होता है तो खाता बंद हो जाता है। अच्छा अब देखो ए और बी की क्रेडिट कार्ड में, ए और बी की क्रेडिट कार्ड में जाके क्या लिखना है भाई, जर्नलिज्म। ए और बी की क्रेडिट कार्ड में जाओ और क्या लिख दो, जर्नलिज्म। अच्छा भाई जनरल रिजर्व कितना कितना, 16,200 और 10,800, ठीक है। और एक जो मैंने गलती करी वो देखो, मैंने बोला कैश के बैलेंस को लिखो कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीटी, या बैंक का है तो बैंक अकाउंट खोलो टू बैलेंस बीटी, उसके बाद कैपिटल के बैलेंस साथ साथ में कैरी कर लो। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है कैपिटल अकाउंट खोलो बाय बैलेंस बीटी। अच्छा कैपिटल का बैलेंस दे रखा है कितना कितना, ए की कैपिटल है 30,000 रुपए और बी की कैपिटल, चले तो सबसे पहले कैपिटल और कैरी कर लो बाय बैलेंस बीडी। अच्छा कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है पॉजिटिव कैपिटल है कितना कितना, 30,000 और 40,000। अच्छा अगर बाय चांस क्वेश्चन में किसी पार्टनर की कैपिटल डेबिट बैलेंस होता, डेबिट बैलेंस मतलब कैपिटल असेट साइड में होती, किसी पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता यानी वो असेट साइड में होती, तो मैं इधर लिखता टू बैलेंस बीडी, ठीक है। ऐसा है नहीं, होगा तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सबसे पहले बैंक अकाउंट में बैंक का बैलेंस कैरी कर लिया टू बैलेंस बीडी, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। कैपिटल के बैलेंस को कैरी कर लिया बाय बैलेंस बीडी, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। उसके बाद असेट साइड में से जो बटने वाला है बांट दो, कुछ है ही नहीं। लायबिलिटी साइड में जर्नल से बटने वाला था मैंने बांट दिया। इसके अलावा देखो लायबिलिटी साइड में कुछ और बटने वाला है क्या, यस वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लेकिन ध्यान रखना वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे कोई नीचे एडजस्टमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। जरा देखो नीचे कोई एडजस्टमेंट है नहीं जी, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बांट देंगे इसको भी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कोई लायबिलिटी वगैरह तो नहीं आ रही तो बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एस कैपिटल बेस कैपिटल, ठीक है। कितना है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, 8,000। 8,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में कितना कितना, कितना और 3,200, ठीक है जी। फिर से बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है, बैलेंस शीट में क्या है क्रेडिट, मेरी एंट्री में क्या हो गया डेबिट, डेबिट क्रेडिट खाता बंद। अब देखो ए की क्रेडिट कार्ड में और बी की क्रेडिट कार्ड में जाओ जी, ए की क्रेडिट कार्ड में जाओ और बी की क्रेडिट कार्ड में जाओ और लिख दो क्या, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना कितना, 4,800 और 3,200। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यार, ठीक है जी 4,800 और 3,200, ठीक है। उसके अलावा देखो लायबिलिटी साइड में कुछ बटने वाला है क्या, नहीं, ठीक है। और मैंने अपने स्टेप में यही बोला था असेट साइड में जो बटने वाला है बांट दो, कैपिटल में जाएगा डाल दो, उसके लायबिलिटी साइड में कुछ भी बटने वाला है तो बांट दो। उसके बाद देखो क्या पार्टनर के करंट अकाउंट देखे, क्या ए और बी का करंट अकाउंट रखा, क्या असेट साइड में कोई करंट अकाउंट है, नहीं जी, होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देता। असेट साइड में होता यानी डेबिट साइड में, असेट साइड में होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाता, क्रेडिट साइड में होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में होता जाता, होता तो मैं भेजता है ही नहीं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में कहाँ जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है ही नहीं तो इसलिए भेज नहीं रहा। इसके अलावा पार्टनर लोन का डेबिट बैलेंस है, अच्छा देखो असेट साइड में कोई पार्टनर लोन का डेबिट बैलेंस है, नहीं है, होता तो भेज देता। लोन का डेबिट बैलेंस होता तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में भेज देता, है ही नहीं तो नहीं भेज रहा, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस अगर होता लोन का तो वो तो डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ती, लोन अकाउंट खोल के पेमेंट करते या सीधा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन क्रेडिट साइड में लोन अकाउंट है ही नहीं, लोन है नहीं तो उसको कुछ करेंगे नहीं। ये स्टेप नंबर टू में मैंने बोला था। अब उसके बाद जो असेट बच गई, जो लायबिलिटी बच गई, वो कहां भेजते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। बाकी सारी रिमेनिंग असेट रिमेनिंग लायबिलिटी को कहां भेजते हैं, रिलाइजेशन अकाउंट में, मैंने यही बोला था, बुक वैल्यू पे भेजा जाता है, जो कुछ भी भेजा जाता है बुक वैल्यू पे। अब देखो असेट साइड से भेजना चालू करते हैं, स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 25,000 रुपए, स्टॉक का बैलेंस क्या है डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना उसे डेबिट कर दो। एंट्री रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो रिलाइजेशन की डेट में क्या जाएगा टू स्टॉक, लाइसेंस की डेबिट टू स्टॉक कितना है, स्टॉक 25,000। अब मेरी बात सुना, जैसे तुमने बोला रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो रिलाइजेशन की डेबिट टू स्टॉक और स्टॉक की क्रेडिट में बाई रिलाइजेशन, जिससे स्टॉक का खाता बंद, याद ना स्टॉक अकाउंट अब पड़ा नहीं है, स्टॉक अकाउंट क्लोज हो चुका है। इसी तरह देखो डेटर को भेजेंगे, डेटर ग्रॉस वैल्यू में भेजा जाता है, याद ना देखो डेटर कितने के हैं 40,500, लेस प्रोविजन कितना है 1,000, तो बाहर कितना गया 39,500। हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे, प्रोविजन से पहले,
कितना है 40,500 ग्रॉस वैल्यू पे भेजते हैं, ग्रॉस वैल्यू कितनी है 40,500। डेटर का बैलेंस क्या होता है डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां मेरे नाम से डेबिट कर दो एंट्री। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो रिलेशन क्रेडिट में क्या जाएगा टू डेटर, कितना बेटा 40,500। ठीक है 40,500 ठीक है, और इस पर लेस प्रोविजन दे रखा है। अच्छा प्रोविजन कितना 1,000, प्रोविजन का बैलेंस क्या है क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट, क्योंकि एसेट साइड में माइनस क्या होता है क्रेडिट वाला, एसेट के साइड का बैलेंस डेबिट होता है और उसमें माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट हो रहा है। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो, जहां भेजना है उसे क्रेडिट कर दो। तो प्रोविजन अगर किसी एसेट पे, मेरे माइंड में डालना बात मेरी, किसी भी एसेट पे, किसी भी एसेट पे कोई रिजर्व या प्रोविजन होता है, अगर किसी एसेट पे कोई रिजर्व या प्रोविजन होता है तो एसेट जाती है डेबिट साइड में और उसका रिजर्व या प्रोविजन जाता है क्रेडिट साइड में। एसेट तो बाद में रियलाइज करेंगे यानी पैसा वैसा इसका वसूल लेंगे, लेकिन प्रोविजन का कुछ नहीं करते। प्रोविजन कोई लाइबिलिटी है क्या, रिजर्व या प्रोविजन कोई लाइबिलिटी किसी को पे करना है क्या, नहीं, ये तो प्रॉफिट में से निकाल के पैसा साइड में रखा था तो इसको ट्रांसफर कर देंगे और ये प्रॉफिट साइड में, इनकम साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, प्रॉफिट ही तो था भाई। एक बात हो, प्रोविजन का मतलब क्या, तुमने अपने पीएनएल को डेबिट किया, स्टेट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तुमने प्रोविजन बना के रखा हुआ है, इसका मतलब तुमने उतना प्रॉफिट निकाल के साइड में रखा हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट को भी पे करना होता है क्या, कोई लाइबिलिटी पे करेंगे, जैसे क्रेडिटर को पे करना होता है क्या प्रोविजन पे करना होता है, नहीं। तो प्रोविजन इसलिए क्या करेंगे, अगर किसी एसेट पे कोई प्रोविजन है रिजर्व है तो प्रोविजन ट्रांसफर कर देंगे, ये प्रॉफिट ही तो था, प्रॉफिट में से तो पैसा निकाल के अलग रखा हुआ था तो वो इनकम साइड में क्रेडिट हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। बात समझ, तो याद रखना किसी भी एसेट पे कोई रिजर्व या प्रोविजन होता है तो एसेट जाती है डेबिट साइड में और उसका प्रोविजन रिजर्व जाता है क्रेडिट साइड में। एसेट तो बाद में रियलाइज भी होगी लेकिन प्रोविजन ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, उसका कुछ नहीं करना होता है, बस ट्रांसफर हो गया, रिकॉर्ड हो गया, अपने फायदे वाली साइड में आ गया। ठीक है जी, देखो जी, तो प्रोविजन ट्रांसफर करें, प्रोविजन का बैलेंस क्या है क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्या कर दो डेबिट, जहां भेजना है उसे क्रेडिट एंट्री बोलो, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, यही होगा एंट्री, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। तो रिलाइजेशन क्रेडिट में क्या लिखूं, बाय प्रोविजन, माइंड में डाल लेना, ये देखो प्रोविजन मैंने ट्रांसफर जरूर किया है बाय प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, कितना प्रोविजन कितना है तुम्हारा 1,000, ट्रांसफर जरूर किया है लेकिन ये पे नहीं होगा, ये बस मेरे इनकम साइड में आ जाएगा और जैसे ही मतलब प्रॉफिट था तो इनकम 1,000 से और बढ़ जाएगी। ठीक है जी, आगे चलो, उसके बाद देखो बिल्स रिसीवेबल, मेरी एसेट है, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस क्या है डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना है उसे डेबिट कर दो एंट्री बोलो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो रिलेशन क्रेडिट में क्या जाएगा टू बीआर, बिल्स रिसीवेबल कितना बेटा 15,000। किसी को डाउट है तो बताओ, इस एंट्री की वजह से रिलेशन क्रेडिट में टू बीआर आ जाएगा और बीआर का खाता क्या हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट है, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना उसे डेबिट कर दो एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो रिलेशन क्रेडिट में क्या जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट का खाता क्लोज हो गया। कितने में बेटा 60,000। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, प्लांट मशीनरी 80,000 रुपए की, ठीक है प्लांट मशीनरी एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां मैंने उसे डेबिट कर दो एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी, तो रिलेशन की डेबिट में क्या जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। मुश्किल है क्या अभी तक, कितना 80,000। उसके बाद देखो बिल्डिंग, बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना उसे डेबिट कर दो एंट्री, लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो लाइसेंस क्रेडिट में क्या जाएगा टू बिल्डिंग। कितने बेटा 61,000। इस तरह से सारी एसेट्स, यार ना, सारी एसेट्स जो रियलाइज हो सकती थी, जो बिक सकती थी, उसको हमने आज से बैलेंस शीट से ट्रांसफर कहाँ कर दिया, उनके उनके इंडिविजुअल अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट में, और इन सब के स्टॉक के, डेटर के, बीआर के, इन्वेस्टमेंट के, प्लांटर के, मशीनरी के, बिल्डिंग के, सबके खाते हमने क्लोज कर दिए और सबको रिलेशन अकाउंट में भेज दिया। ठीक है जी, अब इसी तरह जितनी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है, जो पे की जानी होती है, वो सारी की सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे और पे करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर पे की जानी होती है लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस क्या है? क्रेडिट, क्रेडिटर तो डेबिट कर दो, जहां मैंने उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो रिलेशन क्रेडिट में क्या जाएगा? बाई सन्ड्री क्रेडिटर। कितने रुपए बेटा? 75,000। एंट्री बोल के पोस्टिंग करोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरह से क्रेडिटर का खाता क्लोज हो गया। नेक्स्ट एंट्री, बीपी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट तो डेबिट कर दो, जहां मैंने उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन, तो रिलाइजेशन अकाउंट में क्या जाएगा? बाई बीपी। बिल्स पेबल कितना? 30,000। ठीक है जी, बिल्स पेबल। इस तरह से बीपी का खाता क्लोज हो गया। हमने एंट्री बोली बीपी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो बीपी डेबिट हो गया, बीपी का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट हो गया तो खाता बंद। एंट्री बीपी टू रिलेशन, रिलेशन की गेट में भाई बीपी। पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा। अच्छा, मिसेस एज लोन, मैंने बोला था अगर कोई पार्टनर की वाइफ का लोन हो, ब्रदर का लोन हो, ये भी क्या होते हैं? आउटसाइडर, ये भी रिलेशन में ट्रांसफर होगा और पे होगा। तो मिसेस एज लोन लाइबिलिटी आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी, तो मिसेस एज लोन का बैलेंस क्या? क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जहां भेजना उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री मिसेस एज लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो रिलेशन के गेट में क्या लिखूं? बाय मिसेस एज लोन। इस तरह से इसका खाता भी बंद हो गया। कितने रुपए? 25,000। वर्कमैन कंपनसेशन को हम बांट चुके हैं। इसके बाद देखो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये भी एम्प्लॉय का पैसा होता है। एम्प्लॉय जब फॉर्म एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो अपना इसको प्रोविडेंट फंड का पैसा पे किया जाता है, तो ये भी लाइबिलिटी होती है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी पे किया जाता है एम्प्लॉय को, तो लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी और पे होगी। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का बैलेंस क्या? क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, जहां भी ना है इसे क्रेडिट कर दो। एंट्री एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो बाय एम्प्लॉयज, वहां एम्प्लॉयर लिखा है, गलती से लिखा है। कोई डाउट है तो बताओ। देखो जरा यहां तक हो गया, अब बताओ लाइबिलिटी साइड में कुछ रह गया क्या? जनरल सब हो चुका है और कैपिटल बन चुका है। सारी एसेट ट्रांसफर कर दी, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी, जो जहां जाना था, जो जिस खाते से बिलोंग करता था उन खातों में मैंने भेज दिया। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब मेरी बात सुनो, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया नहीं हो गया? फर्स्ट स्टेप में मैंने ये बोला था सारी एसेट ट्रांसफर कर दो, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दो, जो जिस खाते से बिलोंग करती है उस खाते में ट्रांसफर कर दो। मैंने कर दिया, जो जिस खाते में जाना था उस खाते में मैंने भेज दिया। मेरा पहला स्टेप यही था। दूसरे स्टेप में मैंने वो था सारी एसेट बेचो और लाइबिलिटी को पे करो, एसेट बेचकर लाइबिलिटी को पे करो। तो अब देखो जैसे जैसे अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, बेचने की एंट्री आएगी तो बेचते रहेंगे, पे करने की एंट्री आएगी तो लाइबिलिटी को पे करते रहेंगे। चलो आगे देखो क्या लिखा है। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वर मेड। अच्छा, ऊपर वाली डेट को यानी 31 मार्च 2013 को बैलेंस शीट डिसॉल्व हो गई और ये अरेंजमेंट किए गए। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, ए प्रॉमिस टू पे मिसेस एज लोन। अच्छा, ए कह रहा है वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा। भाई ए कह रहा है मेरी तो वाइफ है, लोन मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, क्यों मिसेस ए का लोन, वाइफ का लोन अगर ए पे कर देगा, वाइफ का लोन ए पे कर देगा, क्या मिसेस ए का लोन ए ने कर्जा ले रखा था क्या? कर्जा किसका था? फर्म का। जिम्मेदारी किसकी? फर्म की। भाई मिसेस ए का लोन फर्म का बर्डन था ना, फर्म की जिम्मेदारी थी, पे करने की जिम्मेदारी फर्म की, फर्म का कर्जा था। अच्छा, फर्म को पे करना चाहिए, पार्टनर क्यों पे करेगा? और अगर पार्टनर पे करेगा तो वो तो ये कहेगा ना, मैंने फर्म के लिए खर्च किया, फर्म के लिए पे किया, तो मेरी कैपिटल बढ़ाओ, इतना पैसा मेरा बिजनेस में और लग गया, फाइनल पेमेंट होगी तो मैं ये भी लूंगा। तो यार ना, कभी भी कोई पार्टनर फर्म की कोई लाइबिलिटी पे करता है तो उसकी कैपिटल क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी कम कहाँ से होगी? लाइबिलिटी के लिए किसको डेबिट करेंगे? रिलेशन को। लाइबिलिटी के लिए किसको डेबिट करेंगे? रिलेशन को। और कोई खाता है लाइबिलिटी का खाता है? मिसेस एज लोन का खाता है क्या? नहीं। मिसेस एज लोन का कहाँ ट्रांसफर हो चुकी है? रिलेशन अकाउंट में। तो जब लाइबिलिटी पे हो जाएगी तो डेबिट, लाइबिलिटी कम होने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी की जगह किसका नाम लिखेंगे? रिलेशन का, क्योंकि रिलेशन अकाउंट ही तो है। लाइबिलिटी कहाँ पर है? रिलेशन के अंदर। तो कम भी होगी तो किससे होगी? रिलेशन से।
तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी की जगह किसको डेबिट करेंगे यहाँ पर, रिलाइजेशन को, और किसने पे किया ये नहीं तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो एंट्री बोलो, एंट्री बोलो क्या होगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ए कह रहा है वाइफ का लोन मैं पे कर दूंगा, तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल कितने रुपए बेटा, 25,000। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली बस इसकी पोस्टिंग करनी है, एंट्री मन में बोलनी है और इसकी पोस्टिंग करनी है, काम खत्म। अपने आप ये क्वेश्चन ये अपने आप तैयार हो जाएगा, बिल्कुल मैच भी हो जाएगा। बस एंट्री बोलनी है और इसकी पोस्टिंग करनी है। देखो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने जनरल एंट्री बोली, पहले जनरल एंट्री सोची कि क्या जनरल एंट्री बनेगी और उसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ बस। देखो रियलाइजेशन की डेट में जाके किसका नाम लिख दूँ, टू एस कैपिटल, लेजर पोस्टिंग तो सबको आती है ना, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में जाओ और लिख दो एस कैपिटल। तो ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड क्या लिख दो यहाँ पर, एस कैपिटल। और ब्रैकेट में मैंने बता दिया ये उसकी वाइफ का लोन है, टीचर को बता दिया वाइफ का लोन पे क्या कितने रुपए में, 25,000। कोई डाउट है तो बताओ। और दूसरा इफेक्ट भी तो है, देखो दूसरा ए की कैपिटल की क्रेडिट कार्ड में, ये देखो ए की कैपिटल अकाउंट खोला हुआ है, ए की कैपिटल की क्रेडिट कार्ड में जाके लिख दो भाई रियलाइजेशन। लो जी ए की कैपिटल की क्रेडिट कार्ड ये रही, क्या लिख दो यहां पर जाके भाई रियलाइजेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो वाइफ लोन कितने रुपए, प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है जी, आगे देखो इसमें क्या बोला है, एंड टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट थी कितने की, देखो पहले इन्वेस्टमेंट टोटल कितने की है बताओ, इन्वेस्टमेंट 60,000 की है, इसका हाफ बता दो, हाफ कितना होता है, अच्छा हाफ ले गया लेकिन 10% डिस्काउंट पे ले गया, माइनस कर दो 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 10% कितने में ले गया, इसका मतलब बास मारी भाई ये ना भाई, पहले तो देखो इन्वेस्टमेंट कितने की, 60 का आधा 30, उसका 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 30 का 10% कितना होता है 3,000, 3,000 माइनस कर दो 30 में से तो कितना आया 27,000, 27,000 में कौन ले गया, ए ले गया। अब बताओ पार्टनर फर्म के एसेट लेके जा रहे हैं, पार्टनर फर्म के एसेट ले जा रहा है, और जब भी कोई पार्टनर फर्म के एसेट ले जा रहा है इसका मतलब उतना पैसा तो ले गया वो, तो फाइनल पेमेंट में उतना एडजस्ट करेंगे यानी उसकी कैपिटल क्या करेंगे कम। जब भी कोई पार्टनर फर्म की कोई एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल कर देंगे कम, कम का मतलब क्या डेबिट, कैपिटल कम कर डेबिट, मैं कैपिटल क्रिएट करने से बढ़ती है और कम करना है तो क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो बताओ एंट्री बोलो क्या करूं, ए ले गया तो ए इस कैपिटल कम कर, ए इस कैपिटल डेबिट यानी ए की कैपिटल क्या हो जाएगी कम, कितने रुपए ले गया 27,000, और एसेट कहां से जाएगी बताओ, ठीक है अब पोस्टिंग करना बाकी है, पोस्टिंग कर लो। बताओ जी ए की कैपिटल की डेबिट में जाके क्या लिखो बताओ, ए की कैपिटल की डेबिट साइड में जाओ और जाके क्या लिखो रिलेशन, ए की कैपिटल की डेबिट साइड ये रही, क्या लिखो यहां पर रियलाइजेशन। ब्रैकेट में बता दो क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया, मैंने टीचर को बता दिया इन्वेस्टमेंट ले गया, कितने में ले गया 27,000। प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है दूसरी पोस्टिंग भी तो करोगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट कार्ड में जाओ और लिख दो बाई एस कैपिटल, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट कार्ड में जाके क्या लिखना है बाई एज कैपिटल, ब्रैकेट में बता दिया क्या ले गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ले गया जी, कितने में ले गया 27,000 में। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ, यहां तो कोई डाउट है, पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट। Thank you.
फिर से देखो एंट्री नंबर टू देखो, एडजस्टमेंट नंबर टू देखो क्या लिखा है, स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा स्टॉक और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अच्छा स्टॉक बेच दिया और बची हुई इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अच्छा बची हुई इन्वेस्टमेंट कितनी है 30,000 की, 10% डिस्काउंट पे बेच दिया। अच्छा पहले स्टॉक भी 10% डिस्काउंट पे बेचा तो स्टॉक देखो कितने का है, स्टॉक कितने का था 25,000। अच्छा 25,000 का स्टॉक था उसका 10% निकालो 2,500, तो 25,000 में से 2,500 हटा दो तो कितना बचा 22,500। ठीक है 25,000 का स्टॉक था उसका 10% निकाला तो 25,000 का 10% कितना होता 2,500 तो डिस्काउंट है ना, तो 25,000 माइनस 2,500 कितना बचा 22,500। 22,500 में डिस्काउंट घटाने के बाद 22,500 में स्टॉक क्या हो गया बिक गया। अच्छा पार्टनर ले गया है कैश बिका है, कुछ नहीं बोला तो क्या बोलेंगे कैश बिका है, यानी बैंक से एंट्री करेंगे क्योंकि हमने बैंक अकाउंट खोला है। बिक गया तो पैसा आएगा और एसेट चली जाएगी कहां से लाइसेंस से, तो एंट्री बोलो पैसा आएगा तो बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और एसेट कहां से जा रही है एसेट के लिए लाइसेंस अकाउंट ही क्रिएट करेंगे तो बैंक टू लाइसेंस कितना 22,500। ठीक है जी अब इसके पोस्टिंग ढंग से देखना बेटा, ढंग से देखना पोस्टिंग, पोस्टिंग करूं तो बैंक की डेबिट साइड में जाकर लिख दो रिलाइजेशन, भाई बैंक की डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे रिलाइजेशन, तो देखो ये रही बैंक की डेबिट साइड, बैंक की डेबिट साइड में जाके क्या लिखूं टू रिलाइजेशन, अकाउंट। अच्छा यहां पर बेटा ने हेडिंग बना रहा हूं मैं, क्यों हेडिंग बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारी एंट्रियां कैश बैंक से होंगी, बहुत सारी चीजें कैश बेची जाएंगी बैंक से बेची जाएंगी तो बैंक की बहुत सारी एंट्री आएगी, तो बार बार एक बताओ बार बार अगर एसेट बेचेंगे तो बैंक टू रिलेशन बैंक टू रिलेशन बैंक टू रिलेशन ऐसे आएगी, तो यहाँ पर टू रिलेशन टू रिलेशन टू रिलेशन ऐसे बहुत सारी एंट्री आएंगी, इसलिए हम एक बार हेडिंग बना के जो भी बेचते लिख देते हैं। यानी कोई भी एसेट बेचोगे कोई भी एसेट बैंक से बेचोगे तो एंट्री बैंक टू रिलेशन बैंक टू रिलेशन, कोई भी एसेट बेचने की एंट्री बैंक टू रिलेशन होगी क्योंकि पैसा आएगा और एसेट कहाँ से जाएगी रिलेशन से, तो किसी भी एसेट को बेचोगे एंट्री बैंक टू रिलेशन ही होती है, तो बार बार ही बैंक टू रिलेशन लिखने से अच्छा यहाँ पर बैंक की डेबिट में टू रिलेशन रिलेशन की डेबिट में बाई बैंक लिखने से अच्छा एक बार ही लिख दो एंट्री क्या बनी बैंक टू रिलेशन बैंक टू रिलेशन, तो बैंक की डेबिट में टू रिलेशन एक बार लिख दो। अब जो भी बैंक से बेचोगे जो भी पैसा लेके बेचोगे वो यहाँ पर लिस्ट बना देना और इसी तरह यहाँ पर भी लिस्ट बना देंगे। देखो दूसरा पर मैंने स्टॉक बेचा ठीक है 22,500 में मैंने एंट्री बोली बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो बैंक की डेबिट में टू रिलेशन लिख दिया मैंने और रिलेशन के गेट में क्या लिख दिया बाई रिलेशन के गेट में लिख दिया बाई बैंक, हेडिंग बना दी बाई बैंक अकाउंट। और जो भी चीजें चेक से बेचेंगे यानी जो भी बैंक के थ्रू बेचेंगे अब वो सारी एंट्री यहां लिख देंगे, क्या बेचा बताओ स्टॉक, तो स्टॉक लिख दो यहां पर स्टॉक कितने में बेचा 22,500 में, और यहां पर भी लिख दो स्टॉक, ये इसी की पोस्टिंग है ना बेटा 22,500 है एंट्री, स्टॉक बेचने की एंट्री क्या होती है बैंक टू रिलाइजेशन, तो बैंक की डेबिट में टू रिलाइजेशन मैंने बता दिया स्टॉक बेचा और रिलाइजेशन के गेट में बाई बैंक स्टॉक बेचा है। इसी तरह देखो क्या हमने इन्वेस्टमेंट बेची हमने, अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने की थी बची हुई हाफ 30 की, 30 का 10% 3,000 तो बचा कितना 27,000, 27,000 में इन्वेस्टमेंट बेच दी। अच्छा 27,000 में इन्वेस्टमेंट बेची और पार्टनर तो नहीं ले रहा बेची है तो पैसा आएगा एंट्री किसे अगर पास करेंगे बैंक अकाउंट खोला है तो बैंक से, बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक से एंट्री पास करेंगे, एंट्री भरो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और असेट कहाँ से जाएगी लाइसेंस, कितने रुपये 27,000 ठीक है जी 27,000। अब देखो फिर से बैंक की डेबिट में क्या लिखोगे टू रिलेशन, तो बैंक की डेबिट में टू रिलेशन लिखने से अच्छा एक बार मैंने रिलेशन लिख दिया हेडिंग बना ली, अब बस लिख दो क्या भी का इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा 27,000 की ठीक है। और दूसरा इफेक्ट देखो इधर देखो रियलाइजेशन की गेट में जाके क्या लिखो रिलेशन की गेट में जाके क्या लिखेंगे बाई बैंक, तो बाई बैंक एक बार लिख दिया ना तो चल जाएगा वो, बार बार बाई बैंक ना लिख के एक बार बाई बैंक लिख दिया और क्या भी का वो लिस्ट बना दो बस इन्वेस्टमेंट।
27,000। कोई डाउट है तो बताओ, जो भी बैंक से बेचेंगे यहां लिख देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री कह रहे हैं गुडविल वॉज, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, गुडविल वॉज टेकन बाय बी फॉर रुपीज 40,000। अच्छा गुडविल बी ले गया 40,000 में, गुडविल बैलेंस शीट में तो नहीं थी, हो लेकिन बिजनेस की गुडविल तो हो सकती है ना, तो भाई गुडविल बी खरीदने को तैयार हो गया 40,000 में, तो खरीद लो, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। मैंने बोला था ना रिकॉर्डेड हो या ना हो, एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है सेम। अच्छा अगर गुडविल बी ले जाए तो बी की कैपिटल कम हो जाएगी। कोई भी पार्टनर फर्म की कोई एसेट ले जाता तो क्या होता है, उस कैपिटल कम हो जाएगी, उतना पैसा उसको फाइनल पेमेंट होगी तो एडजस्ट करेंगे, उतना कम कर देंगे उसमें। पार्टनर 40,000 रुपए की गुडविल ले जा रहा है तो उसकी कैपिटल कम, अच्छा बी ले जाएगा तो बी की कैपिटल कम कर दो, कम करने का मतलब क्या डेबिट, तो बी कैपिटल डेबिट। और ठीक है, और अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि गुडविल रिलेशन अकाउंट से चली गई, गुडविल रिलेशन अकाउंट में थी क्या, नहीं। अब क्यों रही, फायदा हो गया 40,000 रुपए की एसेट बिक गई जो थी नहीं हमारे पास, बैलेंस शीट में थी कहीं क्या, रिकॉर्डेड थी क्या, तो 40 के 40 का फायदा, फायदा को तो रिलेशन में क्रिएट कर देंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ, पोस्टिंग करो उसकी, बी ले जाए तो बी की कैपिटल की डेबिट में क्या लिख देंगे टू रियलाइजेशन, बी की कैपिटल ये रही क्या लिखू टू रिलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखे बेटा गुडविल कितने की 40,000 की। और देखो रियलाइजेशन की किट में क्या लिखूं, बाय 20 कैपिटल, रियलाइजेशन की किट में जाके लिखो बाय 20 कैपिटल। तो देखो बेटा अभी ना कुछ असेट और आएंगे, देखो इधर कुछ असेट और बैंक से बेच जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सी जगह छोड़ के नीचे लिख रहा हूं बाय 20 कैपिटल। बस मारिए चले आगे, 20 कैपिटल की डेबिट में टू रिलेशन और रिलेशन की डेबिट में बाय 20 कैपिटल। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, जिसको एंट्री आती है एंट्री अगर सही बोलोगे लाइन पोस्टिंग करोगे तो क्वेश्चन अपने आप मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा, आगे इसी में आगे लिखा है ही ऑल्सो एग्री टू पे बिल्स पेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा ये कह रहा है, बी कह रहा है कि मैं बीपी की पेमेंट भी कर दूंगा। अच्छा एक बात हो, बीपी की पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी, फर्म की, कर्जा किसका फर्म का, तो चुकाना भी किसको चाहिए फर्म को, लेकिन कौन चुका रहा है पार्टनर, पार्टनर चुका रहा है, बी चुका रहा है, बी चुका रहा है तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, और कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, और लायबिलिटी कम कैसे होगी, लायबिलिटी को कम करने के लिए किसको डेबिट करोगे रिलेशन को, एंट्री में लो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। भाई बीपी के नाम की लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी के लिए किसको डेबिट करेंगे रिलेशन को, क्योंकि बीपी तो आया नहीं, बीपी कहाँ पहुंचा हुआ है रिलेशन अकाउंट में, तो जब बीपी की पेमेंट हो जाएगी तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो लायबिलिटी को कम करने के लिए किसको डेबिट करेंगे रिलेशन को, रिलेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और किसने पे किया, बी ने, तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, कितने रुपए के कितने परसेंट, बीपी कितने का था, बीपी था 30,000 का, 30,000 का 10%, 3,000, तो 30,000 में से 3,000 का कितना 27,000, फिर से पोस्टिंग करो देखो बेटा, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में जाके लिखो टू बीस कैपिटल, रिलाइजेशन की डेबिट में टू बीस कैपिटल, रिलाइजेशन की डेबिट साइड में क्या लिखेंगे क्रेडिट वाले करा टू बीस कैपिटल, तो रिलाइजेशन की डेबिट साइड ये रही, क्या लिख दूं यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखूं बीपी कितने रुपए में पे कर दिया 27,000। ठीक है जी, और कैपिटल अकाउंट की गेट में क्या लिखूं बी की बाय रिलेशन, कितना कोई डाउट है तो बताओ चले आगे। नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा, नेक्स्ट एंट्री कह रहा है इसमें असेट रिलाइज
एसेट रियलाइज होगी कैसे? डेटर बिक गया, डेटर जो बिके 5500 रुपए लेस, डेटर 5500 रुपए कम में बिके, डेटर थे कितने के? 40500 के। अच्छा 40500 के थे, 5500 रुपए कम में बिके, यानी कितने में बिके? बिके तो मतलब पैसा मिल गया सीधे, डेटर रियलाइज हो गया, डेटर से पैसा मिल गया, 5500 रुपए कम मिला तो कितना मिला? 35000 मिल गया। और 35000 मिलने की एंट्री बोलो, पैसा आएगा तो पैसे के लिए क्या करेंगे? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। और डेटर कम कहाँ से होंगे? लाइसेंस। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइसेंस। पैसा आ रहा है 35000 पे तो बैंक डेबिट होगा, असेट बढ़ रही है, और असेट कम कहाँ से होगी? डेटर के नाम की असेट कम कहाँ से होगी? लाइसेंस से। ठीक है जी, अब इसकी पोस्टिंग करो। बैंक की डेट में क्या लिखूं? टू रिलेशन, तो बैंक की डेट में टू रिलेशन लिखा हुआ है, बस लिख दो क्या रिलाइज होगा? डेटर 35000 में, और रिलेशन की डेट में जाके लिख दो बाय बैंक, तो रिलेशन की डेट में बाय बैंक तो लिखा हुआ है, क्या रिलाइज होगा? डेटर। पूछना किसी को? चला गए नेक्स्ट एंट्री देखो, इसमें आगे क्या लिखा है? इसी में, इसी एंट्री में आगे क्या लिखा है? अच्छा बिल्स रिसीवेबल है 10% डिस्काउंट। अच्छा बीआर 10% डिस्काउंट पे। अच्छा बीआर कितने के थे? देखो 15000 के, 15000 का 10% कितना होता है? 1500। 15000 माइनस 1500 कितना आया? 13500। तो बीआर 13500 में रिलाइज हो गए, मिल गया पैसा, फिर से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और असेट कहाँ से जाएगी? रिलेशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू रिलेशन कितने रुपए? 13500। एंट्री ये होगी ना बेटा, बैंक टू रिलेशन, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, और एसेट कहां से कम होगा? रिलेशन अकाउंट से। तो बैंक टू रिलेशन, कोई भी एसेट बेचोगे वेदर रिकॉर्डेड और नॉट, एंट्री यही होती है बैंक टू रिलेशन, कैश में बेचोगे या चेक से बेचोगे तो बैंक टू रिलेशन। अच्छा बैंक टू रिलेशन फिर से पोस्टिंग करो। बैंक की डेबिट में टू रिलेशन लिखा हुआ है, क्या रिलाइज हुआ बताओ? बिल्स रिसीवेबल बीआर कितने में? 13500। और रिलेशन की डेट में बाय बैंक लिखा हुआ है, क्या रिलाइज हुआ? बीआर 13500। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट देखो, अगर अगली एंट्री में इसी में और है, बिल्डिंग सॉरी प्लांट मशीनरी देखो। पहले प्लांट मशीनरी एट 50%, बताओ प्लांट मशीनरी था कितने का? 80 का। 80000 की प्लांट मशीनरी 50% पे बिक गई, 50% कितना होता है? 40000। 80 की चीज 50% यानी 40000 में बिक गई। बेचने की एंट्री, पैसा आएगा तो बैंक डेबिट, असेट कहां से जाएगी? रिलेशन। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। एंट्री बदलेगी क्या? एंट्री तो वही रहेगी, बैंक टू रिलेशन कितने रुपए? 40000। ठीक है जी, कोई डाउट है क्या? उसके बाद देखो नेक्स्ट, बिल्डिंग कितने में बिक गई? बता रखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग थी कितने की मुझे क्या मतलब है? कितने में बिकी मुझसे, मुझे उससे मतलब है। देखो बिल्डिंग वैसे देखो कितने की थी? 61000 की। और बिक कितने में रही है? 118900 में। मैंने बोला हमें ये नहीं देखना होता कितने में कितने की थी, हमें तो बस ये देखना कितने में बिकी, कितने में बिकी? 118900 में। तो एंट्री बेचने की, फिर से पैसा आएगा, बैंक डेबिट, असेट कहां से जाएगी? रिलेशन से। तो एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 118900। फिर से देखो, बैंक की डेबिट में टू रिलेशन लिखा हुआ है, क्या लिख दू? बिल्डिंग कितने रुपए बेटा? 118900। और रिलेशन गेट में बाय बैंक लिखा हुआ है, यहां लिख दो बिल्डिंग।
बिल्डिंग कितने बिकी? 1,00,000 और गुडविल कितने की थी? 40 की। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो बेटा क्या लिखा है। देयर वॉज अ कार इन द फर्म। अच्छा, फर्म के पास कार थी भाई, बैलेंस शीट में थी क्या? नहीं, तो अनरिकॉर्डेड। देयर वॉज अ कार इन द फर्म विच वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स। जो किताबों से हटा दी गई थी, पहले बता ही दिया कि किताबों में नहीं थी, हटा दी गई थी, यानी राइट ऑफ किताबों से हटा दिया था उसको। अब कह रहे इट वॉज टेकन ओवर बाई ए फोर रुपीज 24,400। अच्छा, ए ले गया, एक अनरिकॉर्डेड असेट थी, ए ले गया तो ए की कैपिटल कम। असेट किसकी है? फर्म की। कौन ले जा रहा है? पार्टनर। पार्टनर फर्म की कोई असेट ले जाएगा तो क्या कर देंगे? उसकी कैपिटल कम। ए ले जाएगा तो ए की कैपिटल कम। एंट्री बोलो, एस कैपिटल डेबिट। और असेट, असेट कहां से जाएगी ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि असेट तो तीन रिलेशन में, सारा का सारा फायदा हो गया, रिलेशन में क्रिएट कर देंगे। तो ए ले जाएगा तो एस कैपिटल डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। कितना बेटा? 24,400। तो देखो ए की डेबिट में टू रिलेशन, कार ले गया, कार कितने में? 24,400 में। कोई डाउट है क्या? और दूसरा फिर देखो इसका रियलाइजेशन की गेट में क्या लिखूं? बाय एस कैपिटल। तो यहां लिख दो बाय एस कैपिटल। चौबीस हजार चार सौ में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो एंट्री, इसमें और भी क्या है? यस, इट वॉज आगे लिखा ही ऑल्सो एग्री टू पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 नॉट प्रोवाइडेड इन बुक्स। जो बुक्स में प्रोवाइड नहीं है, यानी फिर से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम की। आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई भी खर्चा बकाया होता तो लाइबिलिटी होती है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है। और ए कह रहा है मैं पे कर दूंगा। अच्छा एक बात हो, ए क्यों पे करेगा? कर्जा किसका? फर्म का। चुकाना किसको चाहिए? फर्म को। अगर ए पे करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, और लाइबिलिटी डेबिट कहां पर होगी? रिलेशन अकाउंट में। लॉस बढ़ जाएगा, एक लाइबिलिटी मिल गई तो नुकसान हो गया, नुकसान होगा तो रिलेशन में ही डेबिट होगा, और कुछ नहीं। एंट्री बोलो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि फर्म को नुकसान हो रहा है, लाइबिलिटी मिलने से नुकसान होता है, तो नुकसान होता है तो रिलेशन में डेबिट। और कौन पे कर रहा है? ए, तो ए की कैपिटल बढ़ा देंगे। कितना बेटा? तो देखो रियलाइजेशन की डेबिट में क्या लिखेंगे? टू एस कैपिटल। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी पे कर रहे हैं? 1,000। और दूसरा पर बताओ, ए की कैपिटल में बाई रियलाइजेशन कितना है? ठीक है जी, ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख देना। ठीक है, चले आगे। अब देखो कुछ रह गया क्या? यस, लास्ट एंट्री देखो, इसमें सेकंड लास्ट एंट्री। क्रेडिटर वर पेड 90% इन फुल एंड फल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। क्रेडिटर कितने के थे? 75,000। 75,000 का 90% बताओ कितना आया? 75,000 का 90% 65,000। भाई क्रेडिटर थे 75,000 के, उसका 90% कितना आया बताओ? और पे करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट, पे करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट, क्रेडिट डेबिट होगा क्या? नहीं। क्रेडिटर कहां पर है? रिलेशन में। तो लायबिलिटी को कम करने के लिए किसको डेबिट करेंगे? रिलेशन को। रिलेशन अकाउंट डेबिट। और पैसा दे रहे नहीं दे रहे? दे रहे। तो कहां से पे होगा? बैंक से। तो रिलेशन टू बैंक कितना? 67,500। ठीक है जी, पोस्टिंग करो। रिलेशन क्रेडिट में टू बैंक, फिर से देखो बेटा, बहुत सारी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी तो बैंक की हेडिंग बना दी। रिलेशन क्रेडिट टू बैंक क्या पे किया बेटा? क्रेडिटर कितने रुपए के? 67,500।
500। और बैंक की क्रेडिट साइड में देखो, बैंक की क्रेडिट साइड में आओ, ये रही बैंक की क्रेडिट साइड, ये रही ना, क्या लिखो, बाय रियलाइजेशन, हेडिंग बना ली, क्या पे क्या, हो गया, चले आगे। आप देखो आखिरी में रखा है द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड रुपीज 1700। अच्छा डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 1700 रुपए, 1700 रुपए पे करेंगे तो खर्चे कहाँ डेबिट होंगे, लाइसेंस में, एंट्री वालों लाइसेंस अकाउंट डेबिट 1700। और कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही, कुछ नहीं बोला था, फर्म की जिम्मेदारी थी और फर्म ही पे कर रही, तो पैसा फर्म के बैंक अकाउंट से जाएगा, ठीक है जी, 1700। पोस्टिंग करो फिर से देखो, रियलाइजेशन की डेबिट टू बैंक, तो बैंक तो लिखा हुआ टू बैंक, बस क्या लिख दो, रियलाइजेशन का खर्चा, और दूसरा पार्ट देखो, बैंक की क्रेडिट में बाय रिलेशन लिखा हुआ है, बस लिख दो क्या है, रिलेशन एक्सपेंस 1700, ठीक है जी। और फिर मैंने बोला था अगर किसी एसेट के बारे में कुछ ना बोले, किसी एसेट के बारे में कुछ ना बोले तो एसेट के बारे में कुछ नहीं करते, तो कोई सोचने वाली जरूरत नहीं, लेकिन लाइबिलिटी को चुन चुन के पे करेंगे। अब देखो कोई लाइबिलिटी रहेगा क्या, प्रोविजन लाइबिलिटी पे, प्रोविजन ऐसे आया कि पे होता नहीं है, ठीक है, सेंडरी क्रेडिटर पे हो चुका है, बीपी पे हो चुका है, मिसेस एज लोन पे हो चुका है, अच्छा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय को पे करते हैं, हुआ क्या, नहीं पे कर दो, पे करने की एंट्री, फिर से कोई लाइबिलिटी कम हो रही है तो किसको डेबिट करेंगे, रिलायंस को, एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए बेटा, एंट्री रिलायंस टू बैंक, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा पे करोगे, एंट्री होगी रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटी कम हो रही है तो किसको डेबिट करोगे, लाइसेंस को, पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से, कितने रुपए, कितना है, 50,000। फिर से पोस्टिंग करो, लाइसेंस की डेबिट टू बैंक लिखा हुआ है, क्या है ये, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड 50,000, और बैंक की क्रेडिट कार्ड में भाई रिलेशन लिखा हुआ है इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड 50,000, ठीक है बेटा, काम खत्म, सारी एडजस्टमेंट हो गई है। अब रिलेशन का प्रॉफिट निकाल के किसमें डालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर पेमेंट कर देनी है। उससे पहले देखो मैंने इसलिए टोटल करके रखा हुआ है, देखो एसेट का टोटल बताओ, ये जो निकाला है टोटल कितना आया इसका, कितने में बिके, 256,900, और जो जाहिर सी बात है इसी की पोस्टिंग यहाँ पर हुई है, ये तो पोस्ट हुआ है, तो इसका भी टोटल कितना आएगा, 256,900, ठीक है जी। और ये लाइबिलिटी का टोटल कितना आया था यहाँ पर, देखो लाइबिलिटी को जो पे करा था यहाँ, ये जो पेमेंट हुई कितना है टोटल, इसका टोटल है 119,200, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है इसी की दूसरी पोस्टिंग तो है ये, तो इसका भी कितना आएगा, 119,200, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे तुम, क्या करोगे जब घर पे सॉल्व करोगे, तो रिलाइजेशन का क्रेडिट साइड का टोटल कर लोगे रफ में, और रिलाइजेशन की डेबिट साइड का टोटल कर लोगे रफ में, कर लिया, जो साइड बढ़ी आ रही है इसको दोनों तरफ लिख लोगे। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है, ये इनका क्रेडिट साइड का सारा टोटल करोगे तो ये वाली साइड बढ़ी आ रही है, तो टोटल कर लो, टोटल आया इसका बेटा, इसका कितना आया, 5,29,300 इधर भी लिख दो, क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है, मैंने क्रेडिट साइड का टोटल करा, ये बढ़ी आ रही है, तो इधर भी लिख दिया 5,29,300, और इधर भी लिख दिया डेबिट साइड में 5,29,300, और उसमें से ये सारी चीजें घटा दो, डेबिट वाली सारी चीजें घटा दो, तो कितना आया, प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा 75,600 का, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट है, ये आ गया तुम्हारा रिलेशन का प्रॉफिट। अच्छा इस रिलेशन के प्रॉफिट को क्या करते हैं,
पार्टनर से बांट दिया जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री इसकी भी एंट्री होती है, देखो रिलायंसन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो तुम सीधा लिख सकते हो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, लेकिन किताबों में लिखा होता है प्रेजेंट करने के लिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, या फिर लिख देते रिलायंसन प्रॉफिट, ये लिखने का तरीका है। रियलाइजेशन प्रॉफिट ए और बी, ए और बी का मतलब एस कैपिटल और बीस कैपिटल, बांटोगे तो कितना 75,600 को बांटोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कितना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, तो कितना आएगा 45,360 और 30,240, ठीक है। अब एंट्री भी है इसकी, देखो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो ए और बी की ग्रेड में क्या जाएगा भाई रिलाइजेशन, रिलाइजेशन प्रॉफिट है। मैंने लिख दिया रिलेशन प्रॉफिट, तुम सीधा रिलेशन अकाउंट भी लिख सकते हो खाली प्रेजेंट करने के, कितना कितना बेटा 45,360 30,240। अब इसमें भी बेटा फिर से देखो, अब क्रेडिट शेयर टोटल करोगे घर पे तो देखो क्या होगा, मैं कह रहा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ए की क्रेडिट शेयर का टोटल करोगे, ए की क्रेडिट का टोटल में से डेबिट शेयर घटा दोगे, अगर क्रेडिट शेयर बढ़िया रही है तो पार्टनर को पे कर देंगे, और अगर डेबिट शेयर बढ़िया है तो पार्टनर को घर से बोलेंगे घर से लेके आ। इन जनरल क्वेश्चन में क्रेडिट शेयर बढ़िया है कि कभी कभार ऐसा होता है कि डेबिट शेयर बढ़िया आती है, बताओ ए की क्रेडिट शेयर का टोटल करा कितना आया, ए की क्रेडिट शेयर बढ़िया रही है इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है टोटल 1,22,360 इधर भी लिख लो 1,22,360 1,22,360 और 1,22,360 में से ये डेबिट साइड घटा दो तो कितना है डिफरेंस 70,960 और ये ए को पे कर देंगे, एंट्री होगी एस कैपिटल टू बैंक, क्या एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर निकाला ये एस कैपिटल टू बैंक, तो बैंक की क्रेडिट में क्या जाएगा बाय एस कैपिटल 70,960, ठीक है जी। पे करोगे तो ए देखो ए की क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया, उसको इधर भी लिख दिया डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही थी, ए की क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही थी तो क्रेडिट में लिखा, उसको डेबिट में लिखा, उसमें से डेबिट साइड घटा दिया तो जो आया 70,960, यानी ए की क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही तो ए को पेमेंट करनी है, ए को पे करेंगे तो एस कैपिटल टू कैश, लाया था तो कैश टू एस कैपिटल, ले जा रहा था क्या होगा एस कैपिटल टू कैश, यानी एस कैपिटल टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट खोला है तो एस कैपिटल टू बैंक, तो ए की डेबिट में टू बैंक और बैंक की क्रेडिट साइड में बाई एस कैपिटल, ठीक है। इसी तरह बी का बताओ, बी का टोटल कितना आ रहा है, बी की भी क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही क्वेश्चन में, अरे 1,11,240 इधर भी लिख लो 1,11,240 तो कितना आ गया डिफरेंस 40,000 घटाने वाले कितना 71,240, ठीक है। फिर बी को भी पे करेंगे, एंट्री क्या होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीस कैपिटल टू बैंक, बैंक लिखा हुआ है तो बैंक की में क्या है भाई बीस कैपिटल, बी को भी पेमेंट हो गई 71,240 और फाइनली हमारा बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा, और बैंक अकाउंट मैच है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, कितने से 2,61,400 बताओ प्रॉब्लम है तो बताओ किसी को, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।